हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं उभयदंती नाभिक रागी के बारे में। उभयदंती नाभिक रागी होता क्या है, जो दोनों तरफ से आक्रमण करता है, ठीक है, उसे उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। साइनाइड तथा नाइट्राइड, ठीक है, साइनाइड और नाइट्राइड जो होते हैं यह उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं, क्योंकि यह दोनों तरफ से आक्रमण करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो साइनाइड तथा नाइट्राइल जैसे समूहों में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं। साइनाइड तथा नाइट्राइट जैसे समूहों में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं तथा इन्हें उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि साइनाइड और नाइट्राइड, ठीक है, यह उभयदंती नाभिक रागी होते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। साइनाइड में क्या होता है, वास्तव में साइनाइड समूह दो अंशदायी संरचनाओं का संकर होता है। जो साइनाइड समूह होता है वह दो, ठीक है, दो अंशदायी संरचनाओं का संकर होता है। यह देखें आप साइनाइड का स्ट्रक्चर CN, यहाँ पे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है CN, या फिर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है। यह दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं CN और यह CN, तो यह दोनों जो हैं आपका संकर स्ट्रक्चर है। तो यह साइनाइड जो है दो रूपों में रहता है, दो संकर रूप में रहता है, तो यह कार्बन जो है जुड़ सकता है किसी से, या फिर कहीं नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। तो कार्बन जब जुड़ेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा और नाइट्रोजन जब जुड़ेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कार्बन के जुड़ने के कारण एल्किल साइनाइड बनता है और नाइट्रोजन के जुड़ने के कारण जो है आइसो साइनाइड बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साइनाइड तथा नाइट्राइड जैसे समूहों में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं तथा इन्हें उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। ठीक है, वास्तव में साइनाइड समूह दो अंशदायी संरचनाओं का संकर होता है। साइनाइड समूह जो है दो संरचनाओं का क्या होता है, संकर होता है, अतः यह दो भिन्न प्रकार से नाभिक रागी के रूप में कार्य कर सकता है। यह दो अलग प्रकार से नाभिक रागी के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड बनता है। अगर कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बनेगा। अगर नाइट्रोजन परमाणु से साइनाइड जुड़ता है तब यह आइसो साइनाइड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड बनता है तथा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप आइसो साइनाइड बनता है। ठीक है, तो यह था आपके साइनाइड के बारे में। अब आइए देखते हैं नाइट्राइड के बारे में। ठीक है, तो इसी प्रकार नाइट्राइड आयन भी उभयदंती नाभिक रागी होता है। नाइट्राइड आयन भी उभयदंती नाभिक रागी होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ सकता है कंपाउंड से, या फिर नाइट्रोजन जुड़ सकता है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एल्किल नाइट्राइट बनेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट बनेगा। अगर नाइट्रोजन जुड़ेगा तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्राइड आयन भी, ठीक है, या नाइट्राइड आयन भी जो है आपका उभयदंती नाभिक रागी होता है। ठीक है, और यह दो भिन्न संयोजन केंद्रों वाला है। यह दो भिन्न संयोजन केंद्रों वाला है। इससे ऑक्सीजन जो है जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल नाइट्राइड बनता है। ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल नाइट्राइड बनता है तथा नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ने के परिणाम स्वरूप नाइट्रो एल्केन बनता है। तो अगर नाइट्रोजन जुड़ता है कंपाउंड से तो आपका नाइट्रो एल्केन बनेगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो आपका एल्किल नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि साइनाइड और नाइट्राइड जैसे समूह जो होते हैं वे दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं, इसलिए इनको उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। ठीक है, साइनाइड में आपने देखा कि वास्तव में साइनाइड जो है दो अंशदायी संरचनाओं का संकर होता है, अतः यह दो भिन्न प्रकार के नाभिक रागी के रूप में कार्य कर सकता है। अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड बनता है और नाइट्रोजन परमाणु के जुड़ने के परिणाम स्वरूप आइसो साइनाइड बनता है। ठीक है, इसी प्रकार आपने नाइट्राइड आयन को भी देखा, यह भी उभयदंती नाभिक रागी का काम करता है और दो भिन्न संयोजन केंद्रों वाला होता है। यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप एल्किल नाइट्राइड बनता है, और यदि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रो एल्केन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा एग्जाम्पल को, नहीं इसी में समझ लेते हैं, यह भी इसी से रिलेटेड हुआ है। 10.5 जो है आपका उदाहरण है, समझें इसको। हेलोएल्केन की पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है। ठीक है,
हेलोएल्केन जो है वो अगर केसियन से अभिक्रिया करता है, हेलोएल्केन किससे क्रिया करे, केसियन से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। तो आपको बताया गया कि एल्किल साइनाइड कब बनता है, जब कार्बन परमाणु, ठीक है, साइनाइड का जो कार्बन परमाणु जो है अगर जुड़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड बनता है। तो जब हेलोएल्केन का पोटेशियम साइनाइड से क्रिया होती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है, अर्थात कार्बन परमाणु बंध बनाता है हेलोएल्केन से, ठीक है। जबकि सिल्वर साइनाइड AgCN सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जब सिल्वर साइनाइड अभिक्रिया करता है एल्किल हेलोएल्केन से तो आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, समझाइए। तो आइसोसाइनाइड कब प्राप्त हो सकता है, तो आइसोसाइनाइड के लिए हमने बताया आपको कि जब नाइट्रोजन परमाणु जो है हेलोएल्केन से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन परमाणु के जुड़ने के परिणाम स्वरूप आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हेलोएल्केन जो है पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कर रहा है, हेलोएल्केन पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कर रहा है, तो मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बन रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है हेलोएल्केन से जुड़ रहा है, ठीक है। जबकि जब सिल्वर साइनाइड हेलोएल्केन से क्रिया कर रहा है तो आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो इसका कारण आपने देखा कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है, हेलोएल्केन से जुड़ता है। आइए इसको समझते हैं। पोटेशियम साइनाइड मुख्यतः आयनिक होता है। पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, मुख्यतः आयनिक होता है, और इसमें साइनाइड जो है वह क्या है, दो नाभिक रागी केंद्र वाला होता है, अर्थात उभयदंती नाभिक रागी होता है। पोटेशियम साइनाइड प्रमुखतः आयनिक होता है तथा विलयन में साइनाइड आयन देता है, K+Cn-। यद्यपि कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, ठीक है। तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए साइनाइड को उभयदंती लिगैंड कहा जाता है, उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। यद्यपि कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, परंतु आक्रमण मुख्यतः कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आक्रमण करने वाला है वह मुख्यतः कार्बन परमाणु होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, ठीक है। तो जो आक्रमण करने वाला है वह मुख्यतः कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा। क्यों? तो इसका कारण आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन जो आबंध है वह कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, ठीक है। तदापि सिल्वर साइनाइड AgCN मुख्यतः सहसंयोजक प्रकृति का होता है। जो AgCN होता है वह कैसा होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है, ठीक है। तथा इसका नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करता है। AgCN में AgCN कैसा है, सहसंयोजक प्रकृति का है, जबकि KCN कैसा था, आयनिक प्रकृति का था, ठीक है। KCN क्या था, आयनिक प्रकृति का था, और विलयन में यह साइनाइड आयन देता है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, लेकिन आक्रमण जो है कार्बन परमाणु करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध जो है कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, इसलिए कार्बन अटैक करता है, ठीक है। तो कार्बन अटैक करेगा तो परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड आपका बनेगा, ठीक है। लेकिन सिल्वर साइनाइड की स्थिति में क्या हो जाता है, सिल्वर साइनाइड जो है आपका सहसंयोजक प्रकृति का होता है। पोटेशियम साइनाइड जो है आयनिक प्रकृति का होता है, लेकिन सिल्वर साइनाइड कैसा होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है, और इसका नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। तो सिल्वर साइनाइड में इलेक्ट्रॉन युग्म कौन प्रदान करता है, नाइट्रोजन परमाणु प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है ना। तो जब सिल्वर साइनाइड की प्रकृति जो है सहसंयोजक है, जबकि पोटेशियम साइनाइड की प्रकृति आयनिक है। तो पोटेशियम साइनाइड की प्रकृति आयनिक है और उसमें कार्बन कार्बन आबंध जो है कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, इसलिए कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करता है, और जिसके कारण आपका एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि सिल्वर साइनाइड जो है क्या होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है, और इसमें नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करता है, जिसके कारण आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह था आपका उदाहरण 10.5। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्रियाविधि के बारे में, ठीक है, कि हेलोएल्केन की अभिक्रियाएँ जो हैं उसके क्रियाविधि के बारे में देखेंगे, जिसमें SN2 और SN1 रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।